खबर गोंडा से है, जहां नगर कोतवाली थाने के अंतर्गत सुभाष नगर मोहल्ले में गेट लगाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है, एक पक्ष अपने घर पर गेट लगवा रहा था, जिसका पड़ोस के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तभी विरोधियों ने पीड़ित पक्ष पर धावा बोल दिया और ईंट पत्थर और लात घूसों से जमकर पिटाई की, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। पीड़ित पक्ष ने बताया, रवि, विनय, अजय मिश्रा नामक दबंगों ने 14 वर्षीय प्रिंस मिश्रा की पावड़ी से गला काटने और जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो सके। पीड़ित पक्ष ने जब इसकी शिकायत नगर कोतवाली में की तो पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते दबंगों ने पीड़ित पक्ष को जान से मारने की लगातार खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन नगर कोतवाली पुलिस को शायद एक के बाद एक और घटना का इंतजार कर रही है। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया, नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर मोहल्ले की घटना संज्ञान में आई। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोतवाली नगर का मामला है और इसमें गेट लगाने को लेकर दो पट्टीदारों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष में चोट आई हुई है, उनको काफ़ी सीरियस चोट है, तो अभी उनका अभियोग पंजीकृत हो गया है और सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि जो आरोपी हैं अभी भी वो धमका रहे हैं। नहीं, इसमें शीघ्र कार्रवाई होगी, अभी शीघ्र और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी और मौके पर भी शांति बनाए रखने के लिए फोर्स को कह दिया गया है। क्या अरेस्टिंग के लिए कुछ प्रक्रिया? हाँ, नहीं, बिल्कुल अरेस्टिंग की धाराएं होंगी तो जरूर अरेस्ट किया जाएगा।